हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा में पालोलिम बीच। इस बीच का नाम पालोलिम बीच है और ये साउथ गोवा में है। और मैंने गलती से इस बीच का नाम पॉलम समझ लिया था, तो मैं पॉलम बीच कर रही थी, बट इस बीच का नाम है पालोलिम। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे गाइस और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझसे जो भी गलती हुई हो इस ब्लॉग को बनाने में उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बीच का नाम ही गलत ले लिया है। और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने ये सेल्फ राइडिंग वाला जो बोट था वो भी किया। इस बोट को हम सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं और इसकी ज़्यादा प्राइस कॉस्ट नहीं है, ओनली 300 रुपीज़ 1 आवर्स का है। और दो लोग भी जा सकते हैं, सिंगल भी जा सकते हैं और 3 लोग भी जा सकते हैं सेल्फ ड्राइव करके। और बीच का नज़ारा देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू। और यहाँ पे बीच पे कॉटेजेस भी है जो बीच सीन्स हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम रुक के बीच का मज़ा भी ले सकते हैं। ये बीच का पार्किंग एरिया है और साइड में मार्केट भी है। और देखिए बीच से पार्किंग एरिया से देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। सारी नाव बोट खड़ी हुई दिख रही है, कुछ बोट समंदर के अंदर है। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौनकन म्यूनसिपल काउंसिल 1995। और ये मार्केट है, मतलब कि छोटी मोटी मार्केट है, सारी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है। सामने वॉशरूम है और चेंजिंग रूम है। हाँ गाइस, बीच का नाम पालोलिम बीच है। मैंने गलती से बीच पे जाऊंगी तो आप दिया है वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, बनी रहिए ब्लॉग में। जानना है इसका नाम अच्छा लगेगा। मैंने जो बीच का नाम गलत लिया, समंदर अच्छा लगता है, नेचर ब्यूटी कम्युनिकेशन हो जाता है उसे। हमें पॉलम बीच बोला गया है, मुझे फ्रेंड्स सच में याद नहीं था। चलिए हम पालोलिम बीच है, मैं भूल गई थी, मुझे लगा बीच पॉलम बीच है। ये पालोलिम को मैंने पॉलम बोल दिया, बट आप इसे पालोलिम ही समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बीच के अंदर जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। कितना अमेजिंग व्यू है, आपको मज़ा आएगी, मुझे तो बड़ी मज़ा आ रही है, देख के ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फ्रेंड्स, हम बीच पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम बोट वाले से बात कर रहे हैं कि क्या चार्जेस है और किस तरह से। और इसी बीच मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन फील होने लगा, तो मैं बीच जो बोट वाले की जगह होती है वहीं पे बैठ गई हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं थोड़ी देर बाद बीच का एंजॉयमेंट का मज़ा लूँगी। अभी के लिए मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ यहाँ बैठ के, और बैठे बैठे ही वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ बीच का एंजॉयमेंट लीजिए, मेरे साथ बीच का व्यू देखिए और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो कुदरती होता है ना सारा चीज़ें। कुदरत का नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग होता है। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे तो सारी चीज़ें अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट सबकी पसंद अलग अलग होती है, इसलिए मैंने कहा आप भी बने रहिए ब्लॉग में, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। देखिए समंदर में पानी कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लू कलर का। और ये बोट है, सब अपनी अपनी पार्किंग एरिया में पड़ी हुई है। अगर किसी को बोटिंग करनी होती है तो बंदे आते हैं और उनको बोट समंदर के पास ले जाके दे देते हैं, फिर वो सेल्फ ड्राइविंग करके सेल्फ राइडिंग करके जाते हैं और राइडिंग का मज़ा लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ बीच का नज़ारा, देखिए कितना अच्छा है। कॉटेजेस कितने अच्छे लग रहे हैं और आइलैंड भी दिख रहा है, बटरफ्लाई आइलैंड बोलते हैं इसे शायद। और देखिए नारियल के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं और बीच की चौपाटी भी कितनी अच्छी लग रही है, वाइट वाइट दिख रही है और पानी भी अच्छा साफ है। और इस बीच मेरे पैर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, समंदर की लहरें के जो मोजे बनते हैं वो मेरे पैरों को कैसे छू रहे हैं, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं बीमार हो गई थी फिर भी मुझे इतना अच्छा लगा ना, नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है और मुझे यहाँ का मज़ा लेना है। मैं आई हूँ इतनी दूर से, तो फिर मैं ऐसे बीमार होकर थोड़ी ना बैठ सकती हूँ।
इसीलिए फिर मैं खड़ी हो गई और मैं भी मज़े ले रही हूँ। समंदर की लहरों से जो हवा आ रही थी एकदम ठंडी ठंडी आ रही थी, उससे मुझे काफ़ी बेटर फीलिंग हो रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था। मेरी तबीयत भी एकदम अच्छी हो गई थी, एकदम बोले तो माइंड फ्रेश हो गया था मेरा, और मेरे अंदर का जो स्टेमिना लो हो गया था ना वो एकदम से वापस स्ट्रॉन्ग हो गया। और फिर मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मतलब यहाँ पे अंदर जाके सारी एक्टिविटीज़ करूँ। सोच रही हूँ जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा सा राहत हुआ है, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तब जाऊँगी। और आप बने रहिए ब्लॉग में, देखिए कितना सुंदर और अमेजिंग नज़ारा है यहाँ का। मैं वापस से बैठ गई हूँ, और अब देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, वाव अमेजिंग। और हवा भी बहुत ही फास्ट चल रही थी। ऐसे भी समंदर किनारे जाते हैं तो वहाँ की जो हवा होती है वो बहुत फास्ट ही चलती रहती है, और ठंडी ठंडी भी लगती है।
तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, मजे भी आ रहे हैं। फॉरेनर है यहाँ पे, इस तरह से फॉरेनर आ रहे हैं, वो भी जा रही हैं। कोई फॉरेनर है ये भी नहा रही है, जा रही है। वहाँ पे बोट राइडिंग भी हो रहा है और सेल्फ राइडिंग बोट की भी हो रही है। भी है, ये लोग भी बीच का एंजॉयमेंट कर रहे हैं और इनका नेचर भी अच्छा होता है। सकते हैं दो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बीच पे और मैं भी बीच पे एंजॉय कर रही हूँ। वो नीचे उतर के वापस कैसे चढ़ना है, पकड़ के दोनों तरफ से पकड़। बहुत ही मजा आ रहा है, मेरे साथ मेरे वीडियो में फोटो में। बड़ी मजा आ रही, बड़ी एंजॉयमेंट करा है मैंने।
60 to 64 kilometers.